जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम। पहना दें चलें। तो ये खुलेगा कैसे? जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं इस्लामाबाद आता था अपने नाना जी के साथ। तो सड़ने कूड़ने की बजाय सब्सक्राइब ही करते। केस महंगाई के दौर में भी आपने पापड़ 5 रुपए से ऊपर नहीं किया। दर्द को सहोगे तुम दिल। लेमन्स तोड़ दो जिसके हाथ कांपते हों। गाइस मैं आपको अपनी खाला से मिलवाती हूँ और इनको कहते हैं ये देखें मैंने कचरे लिए हैं। आर जी गाइस हम बस पहुँचने वाले हैं अपनी खाला की तरफ। उनके लिए कुछ लाए हैं वो उनको देंगे एंड फिर हम यहाँ से निकलेंगे। मौसम के हालात मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या हैं। मौसम के हालात कुछ ऐसे हैं कि बड़ा ही क्लियर सा स्काई हो रहा है लेकिन धूप है। और अलीशा है हमारे आज के ड्राइवर और साथ में मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है। रूज हेलो कर दें। हेलो हेलो। और जैसे जैसे व्लॉग बनता जाएगा आपको रखेंगे साथ साथ। रहिए। गाड़ी हमारी गाइज अंदर आ चुकी है और मैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा मौसम को एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि ना यार प्यारा है। बस ठीक है थोड़ी धूप भी है बट अच्छा वेदर है। तो अभी खाला आती हैं उनसे मिलते हैं। यार इन लोगों की आवाज़ें बंद नहीं होंगी तो फिर समझा करें आप लोग। हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज सनिया शेयर लाइवली। होप यू गाइस ऑल आर फाइन। सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे एंड लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और इस प्यारे से मौसम को तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाला की तरफ लेमन्स तोड़ने के लिए। और यार बस मैं बहुत जितने मुझसे कलेक्ट हो सके मैं यहाँ पे जो है ना वो लेमन्स और मौसमी बताने लगे हैं कि नहीं बल्कि लगे हुए हैं वो सारे जो है ना वो कैप्चर करेंगे और उनको तोड़ेंगे भी और उनको जो है ना वो वीडियो में भी लेंगे आपको रखेंगे अपने साथ। तब तक यार मुझे तो बड़ी प्यारी धूप लग रही है और मैं बहुत ही प्यारा लग रहा हूँ। साथ रहिए, व्लॉग को एंजॉय कीजिए और अभी से लाइक कर दीजिए। लेमन्स तोड़ दो जिसके हाथ कांपते हों। समझो वो इनमें छुपे कांटों से डरता है। ला 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 यार अभी और भी हैं बट यार जैसे ही पकते हैं और बड़े होते हैं ना फिर ये लोग तोड़ लेते हैं यार। ये वाले भी दो ले लूँगी मैं। यहाँ से ये वाला तोड़ेंगे और यहाँ से यार बड़ा ही इनके अंदर रस होता है। और बाद में ना यही है जिनका हम अचार बनाते हैं, जिनकी ना जिनका मेरी मम्मा अचार बनाती है। मैं एक शॉप पर लेती हूँ जो हम लाए हैं ना जिसमें उनके लिए हम कुछ लेकर आए हैं खाने को, वही वाले में मैं सारे कलेक्ट कर लूँगी। फ़िलहाल के लिए ना मैं ये यहाँ पर चेयर पर रख देता हूँ इधर और यहाँ पर जमा करता हूँ। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। गाइज मैं आपको अपनी खाला से मिलवाती हूँ और इनको कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खाला जी, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे व्लॉग में आकर? गुड मॉर्निंग। बच्चों ने अचानक से सरप्राइज दिया और अरु चुप करो, अच्छा लगा ये खाना लेके आए और अभी एंजॉय करने पिंडी कमर्शियल जाएंगे। इनको मैंने 2000 दिया जाके वहाँ से कुछ खाएंगे पियेंगे। गाइज ये हमारे पास एक शख्स है यहाँ पे नीचे, पता नहीं क्यों नीचे क्यों बैठ गए। ये देखो खाला की इज्जत क्या हो रही, कैसे बोल रही है। रूज क्या कह रही हो, छोड़ दो रूज तुम उसको। F17 में आए हैं पप्पू खाला के मुकाम पे। बस करो बस करो बस, जब भी आओ बस इसने तो अपना आप छोड़ना ही नहीं होता, हर वक्त भौंकता रहता जब देखो। वैसे कुत्तों का यही काम होता है बस भौंकना भौंकना और भौंकना, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो लेमन्स यार, हाँ लेमन हैं अभी लेमन्स में देख, कुछ ना कुछ तो तोड़ के लेके जाऊंगी। गाइस मेरे बहुत काम आते हैं ये, तो मैं यहाँ से ले लूँगी काफ़ी सारे लेमन्स। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ बेबी? ओ यहाँ पे भी मुर्गी है। मुगरी 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 नहीं, मुगरी नहीं है मुगरी, ये लो मुगरी मुगरी। ये बहुत चलाक होती है हमारी, तो इतने अच्छे मासूम हैं, तुमसे अच्छे हैं हमारे पास। ओके तुम्हें उठ के जाने की जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, हम खुद ही निकल रहे हैं। मासूम नहीं है। हाँ हमारे वाले मासूम है, ये मासूम है, ये मासूम है, हमारे वाले तो बेच के खा गए। बस करो अब थोड़े से जो है ना वो मौसमी तोड़ लेते हैं। मौसमियों की बारी आ गई है अब। और यहाँ पे ये वाला सो लुकिंग सो यार जूसी। ओह वाओ, ओह सो क्यूट।
जितने मेरे हाथ में आ रहे हैं मैं उतने ही पकड़ूंगी ना यार, उससे ज्यादा तो नहीं मैं ले सकती। आई थिंक इट्स इनफ, अभी हम चलते हैं, मुझे बुला रहे हैं यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हुआ, व्हाई आर यू साउंड सो स्लो? नींद पूरी नहीं हुई और बुखार भी है। नींद पूरी नहीं हुई और बुखार भी है तो क्यों आप आज, आपकी कौन सी ड्यूटी है? वाकई हल्का हल्का सा है मुझे लग रहा है। आज कौन सी आपकी ड्यूटी है? के ड्यूटी। के का क्या मतलब होता है? शाम 7 से सुबह 7 शिफा वालों की नजरों में और शाम 6 से सुबह 8 हमारे लिए। बिकॉज वो ट्रैवल भी डिपेंड करता है ना सारा आपका जो। ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा सही। और मेरे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, इतना ही बोल दें। आप इतना दाएं दिखाती हैं ना, फिर मैं तो समझती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। बस ऐसे बोल दो, आप हैं व्यूवर्स तो हैं तो सब्सक्राइबर भी बन जाए। ओह थैंक यू। व्यूवर्स ही सब्सक्राइबर बने तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा। थैंक यू। व्यू तो आप कर रहे हैं तो सड़ने कूड़ने की बजाय सब्सक्राइब ही करते हैं। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं पिंडी कमर्शियल में ना, है ना मामा? पिंडी कमर्शियल आ गए हैं, किसी काम से आए हैं और जिनको काम है वो लोग तो चले गए काम कराने। तो मैंने कहा गाड़ी में बैठ के, ये तहजीब के सामने जो बटा है ना उधर हमको आना था, शूज़ एक हमने चेंज करना था रोज का। तो आपको रखते हैं साथ और पिंडी पहुंच चुके हैं। पिंडी है, पिंडी पिंडी यार, कितने प्यारे बलून्स लग रहे हैं ना। जहाँ बलून्स वो बलून्स तो मेरी कमज़ोरी है, जहाँ बलून्स वहाँ मैं सांस रही है। गाइज ये लोग अभी बाटा गए हैं और अभी तक इनका ड्रेस शूज़ सिलेक्शन नहीं हो रहा, और मैंने देखें उतनी देर में सारा अपना नेल पेंट उतार लिया है, क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं करने को और अंदर जाने को मेरा ज़रा। गाइज शूज़ डिसाइड, थैंक गॉड आधा घंटा लगा के हो गया। और अब हम पहुँचे हैं रिफ्रेशमेंट कॉर्नर, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या मंगवाते हैं। आप लोग रहिए साथ, पहना दें चलें। तो ये खुलेगा कैसे? इसको ऊपर करना है तार को। सही सही। दूसरे हाथ में दूसरा पहना दें। थैंक यू गाइस। ये देखें मैंने कचरे लिए हैं और ये मुझे खुद आंटी ने पहनाए, मुझे बहुत नाइस लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मेरी भी पहनने वाले हैं, पहले ये टेस्ट करेंगे और फिर अगर कुछ और चाहिए हुआ तो वो। यम। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं इस्लामाबाद आता था अपने नाना जी के साथ, हम लोगों ने ये एक बार पॉइंट इन्जॉय किया था। तो अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है। टेस्ट तो सर काफ़ी अच्छा है, जिंदाबाद में बशीर साहब मज़े ही आ। जाना हम लोग रेस्टोरेंट कॉर्नर से होने के बाद घर की तरफ जा रहे हैं और अभी हम क्रॉस में जाते हुए ये कड़ी चौक आया है। ये वाकई हाँ, कड़ी चौक है हाँ? जिसे घड़ी चौक कहते हैं। हाँ शमरून, निशा नहीं नाम डाल। हाँ शमरून पिंडू, पता नहीं कौन सा चौक है बट ये कड़ी चौक एक निशानी की हम पिंडी से जाना क्रॉस कर रहे हैं। और अभी जैसे जैसे बाकी का ब्लॉग बनता रहेगा आपको रखेंगे साथ, ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करूंगी। रोको जरा मम्मा को अगर देखनी है तो, यहाँ से मट्टी की हांडी तो दुकान वाला है ही नहीं है यहाँ पे ना। नहीं कूलर है लेकिन दुकान वाला है ही नहीं इधर, मैं लग रहा है ये नहीं, ये अंकल नहीं, ये दुकान वाला यहाँ पे नहीं। देखते हैं अंकल हमें चेक कर रहे हैं। और जी गाइज अभी हम क्रॉस कर रहे हैं फैजाबाद इस्लामाबाद जाने के लिए, और ये मुझे गजरे बहुत पसंद आ रहे हैं यार, मैं घर जाकर तो बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स लेने वाली हूँ, अभी भी काफ़ी बनाई हैं मैंने। गाइस मेरे हाथ देखिए कड़ा गया लाइट में, गजरे कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे। ओह माय गॉड, नीचे करो नीचे। वाओ काश मैं इनकी फ्रेग्रेंस भी कैप्चर कर सकती हूँ।